नमस्कार दोस्तों, आर्य पेट्स एंड एग्रो फार्म के आज के वीडियो में हम ह्यूमिडिफायर कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ह्यूमिडिफायर का हम इस्तेमाल जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कोई इनक्यूबेटर के लिए करना चाहता हो तो इनक्यूबेटर के लिए कर सकते हैं, कोई मशरूम की फार्मिंग करता है तो मशरूम के लिए कर सकते हैं, कोई प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। मतलब अपने अपने हिसाब से, अपनी जो नीड है उस हिसाब से आप कर सकते हो। हम इनक्यूबेटर के लिए बनाने वाले हैं तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो देखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको लगेगा एक मिस्ट मेकर, इसको मिस्ट मेकर बोलते हैं। तो ये अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट की जो कोई ऑनलाइन कंपनी है तो उससे आप ये मंगवा सकते हो। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, ये 700 से 800 रुपये के बीच में आता है। ये एलईडी बल्ब वाला मिस्ट मेकर है। तो ये इसके और ये प्लास्टिक का एक बॉक्स लगेगा, बड़े साइज का और अच्छे मटेरियल वाला प्लास्टिक का बॉक्स लेना है आपने। तो इसमें पानी भर देना है। तो मैंने इधर एक, देखो आप यहाँ पे एक डमी प्लग है जो इस वायर को पास करने के लिए यहाँ पे है। तो इसको मैंने पहले ही बना के रखा है। तो आप किसी भी चीज़ से आप इसको होल करके यहाँ पे एक ये प्लग बिठा सकते हो। तो जैसे कि इससे वायर यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे साइड में जो आप रबर देख रहे हो, ये इस रबर की वजह से वाटर लीकेज नहीं होगा। तो ये मैंने पहले करके रखा था। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है और मिस्ट में करके ऊपर तक पानी को भर लेना है। तो यहाँ तक करने के बाद आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये डीसी फैन, जो कि डीसी 12 वोल्ट पे ये काम करता है। 0.30 एम्पेयर का ये फैन है। तो ये मतलब डीसी पे चलने वाला फैन है। तो वही ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या कोई भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको चाहिए। तो दोस्तों पहले हम चेक कर लेते हैं मिस्ट मेकर काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्ट बन रही है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसा ढक्कन, इसका जो ढक्कन है तो इसको यहाँ पे ऊपर रख लेना है। और उसके बाद ये डीसी फैन जो है तो इस साइड में उसको रखना है। और कोई भी चीज, पेन, पेंसिल, मार्कर, मार्कर या कोई भी जो चीज़ आपके पास है उससे आपको यहाँ का जो सर्कल है अंदर का उसको राउंड करके पहले कट कर लेना है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे का वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने ये एक सुई ली है। तो उस सुई से मैं इसको घिस रहा हूँ। जैसे इसका, इसको घिसने के बाद एक मार्क बनेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देख रहे होगे। तो यहाँ पे देखो एक राउंड सा सर्कल बन गया है सुई की वजह से। आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये यहाँ से। तो ये जो राउंड का जो एरिया है उसको आपको पहले कट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वीडियो में, ये देखो मैंने एक गोल सर्कल कट किया है जो फैन के अंदर का, जो मैंने सर्कल मार्क किया था तो उसको मैंने कट कर लिया है। और ठीक देखो ये फैन जो है ठीक इसी के ऊपर आपको रख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो देखो साइड में एक होल दिया गया है वो स्क्रू के लिए है। तो आप ठीक जो यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं उसको टाइट कर लेना है। और जैसे आप फैन चालू करोगे और मिस्ट मेकर चालू करोगे तो जैसे फैन स्पीड से अंदर हवा को प्रेशर कर देगा और मिस्ट मेकर अपना मिस्ट बनाएगा। तो ये यहाँ तक तो काम हो गया। तो एक आगे हम आपको जो अंदर की जो हवा है उसको प्रेशर से बाहर निकालने के लिए आपको एक छोटा सा होल कर लेना है। तो हम आगे देख लेते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे होल कर लिए हैं।
तो आप अपने हिसाब से आपको ऊपर की तरफ करना है या साइड की तरफ करना है, आप अपने हिसाब से उसको होल कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिस्ट बन रही है, देखो ये पूरा फैन, यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अंदर की तरफ आप देख रहे होगे, देखो ये मिस्ट बन रही है, देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देखो फैन को उल्टा किया है मैंने, तो अपनी तरफ ये फैन खींच रहा है, देखो फैन के अंदर से मिस्ट पास हो रही है, देख रहे हो, दिख रही है आपको ठीक से, कैमरा में आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ से मिस्ट निकल रही है। तो इस तरह से आप अपने घर में देखो मिस्ट मेकर आप बना सकते हो, वो इनक्यूबेटर के लिए यूज़ कर सकते हो, या अपने पर्पज से आपको जिस चीज़ में आपको इस्तेमाल करना है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्क्रू नहीं लगाए हैं, तो स्क्रू लगाने के बाद ये फिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम एक कंट्रोलर भी लगाने वाले हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, तो वो उसको मैंने मंगवाया है, वो आने के बाद उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप एनिमल्स और फार्मिंग के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया आर्या पेट्स एंड एग्रोफार्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।